हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएससीडी इंडिकेटर को मैं कैसे ट्रेड करता हूं। अगर आप एमएससीडी को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि एमएससीडी इंडिकेटर काफी बार फॉल्स सिग्नल देता है, बट मैं यहां पर प्राइस एक्शन को इंक्लूड करके एमएससीडी को यूज करता हूं तो मेरी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको काफी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और यह हमारे को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स देने में सक्षम है। हमारे को पता चल जाता है कि कहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है या कहां से मार्केट नीचे गिरने वाला है बेस्ड ऑन दिस MACD इंडिकेटर। बट इसका एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंडिकेटर है काफी फॉल्स सिग्नल देता है, मतलब मार्केट जा तो रहा ऊपर होता है बट वो हमारे को नीचे बिठा देता है। सो दैट इज वाई काफी लोग उसको यूज नहीं करते। बट यहीं पर अगर हम प्राइस एक्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं इस इंडिकेटर के साथ तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑन दी लैपटॉप की MACD को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन दी MACD इंडिकेटर। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बट आप ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने नीचे इंडिकेटर को लगा दिया है दी MACD इंडिकेटर। तो आइए पहले देख लेते हैं कि MACD इंडिकेटर के क्या क्या पार्ट्स हैं। सो इफ आई क्लिक हियर, आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइन है दैट इज दी MACD लाइन, एंड जो ऑरेंज लाइन है दैट इज दी सिग्नल लाइन, और उसके अलावा हमारे को हिस्टोग्राम्स दिख जाते हैं, जो ये बार्स बन रहे हैं, दोज आर दी हिस्टोग्राम्स। अब ये बार कैसे बनते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका जो ब्लू लाइन है If it is below the orange line, तो आप देखेंगे usually माना जाता है कि उस समय जो market है वो नीचे गिरने वाला है, and that is why जो histogram है वो वहां से red होना शुरू हो जाते हैं। On the other hand, जैसे ही जो blue line है वो orange line के ऊपर चली जाती है तो वहां से माना जाता है कि market ऊपर जाने वाला है और आपका जो histogram है वो green color का हो जाता है। तो this is how these histograms work, and जैसे मैंने बोला, माना यह जाता है कि जब भी आपका जो ब्लू लाइन है वो रेड को ऊपर से नीचे काटेगा, मतलब इस पॉइंट पे, तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं, और जैसे ही आपका जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर काटेगा, मतलब समवेयर हियर, तब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला, ये हमेशा नहीं होता। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर तो अच्छे से मेरे को बाइंग सिग्नल दे रहा है एंड यहां पर ये मुझे सेलिंग सिग्नल भी दे रहा है, बट अगर आप देखें इसके सेलिंग देने के बाद एक्चुअली मार्केट ऊपर चला गया, तो अगर मैं यहां पर एंट्री लेता, बिकॉज केवल अगर मैं MACD को यूज करता मेरी एंट्री यहां पर कहीं आती क्लोजिंग पे, उसके बाद एक्चुअली मार्केट ऊपर चला गया और मेरा शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इस केस में जरूर देख सकते कि हाँ, जब इसने मेरे को बाइंग सिग्नल दिया तो उस समय मार्केट ऊपर भी गया, तो या दिस वॉज अ गुड सिग्नल। लेट अस अगेन लुक दिस एग्जाम्पल हियर कि आप देखें यहां पर इसने एक हमें सेलिंग सिग्नल दिया है और हाँ, ये उसके बाद नीचे भी गिरा है। सो यस, समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट वर्क, बट हमारा मेन एम है देखना कि कब हमारे को पता चलेगा कि बहुत अच्छा सिग्नल आने वाला है और कैसे हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को भी यूज कर सकते हैं। सो लेट मी क्लीन एवरीथिंग फर्स्ट। तो यहां पर मैं केवल और केवल जो इंडिकेटर है उसको यूज नहीं करता है, मैं यहां पर प्राइस एक्शन को भी यूज करने वाला हूँ। यहां पर मैं बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज करने वाला हूँ। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि जो सिग्नल है वो एक बियरिश सिग्नल आ रहा है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल है, मतलब यहाँ पे मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं, मैं उसी समय जाके देखूंगा कि क्या जो मेरा जो स्टॉक है या जो मेरा इंडेक्स है, क्या वो अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे है कि नहीं। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आई कैन सी कि यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। सो आई विल प्रोबेबली स्किप दिस ट्रेड, आई विल प्रोबेबली स्किप दिस ट्रेड, और आप नोटिस करेंगे अच्छा स्किप हुआ, बिकॉज उसके बाद मार्केट ने काफी तेजी से वापस रिवर्सल लिया था। तो अगर मैं इसको स्किप नहीं करता तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा लॉस हो सकता था। नाउ वंस दिस इज डन, आप देखेंगे एक मेरा क्लियर रेजिस्टेंस जोन बनते जा रहा है। सो आई एम गेटिंग द रेजिस्टेंस जोन। अब मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि अगर मेरे को जैसी एंट्री मिलती है कि सेलिंग करने की, बिकॉज मेरा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, तब मैं एंट्री ले सकता हूँ। बट उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एंट्री आ रही है दैट इज कमिंग समवेयर हियर, दैट इज कमिंग समवेयर हियर, जो कि इस पॉइंट पे है। अब आप खुद नोटिस करेंगे कि यहां पर अगेन मैं सेलिंग ट्रेड नहीं लूंगा, बिकॉज ये तो एक तरह का सपोर्ट जोन बन गया है, दिस इज लाइक अ सपोर्ट जोन हियर। सो अगेन मैं यहां पर सेलिंग नहीं करता, एंड दैट्स अ गुड थिंग अगेन, क्योंकि अगर यहां पर सेलिंग करता तो मार्केट रिवर्सल ले चुका होता और मेरे को फिर से इसमें लॉस हो जाता। सो मैंने दो ट्रेड्स को बचा लिया है, आई हैव नॉट टेकन द एंट्री,
बिकॉज मेरे पास एक अच्छा लेवल नहीं था, एक अच्छा जोन नहीं था. बट लेट अस लुक एट दिस ट्रेड. इफ यू लुक एट द थर्ड अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग हियर, आप नोटिस करेंगे कि उस समय निफ्टी वॉज एक्चुअली एट इट सपोर्ट लेवल. निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे था, बिकॉज ये जो करीब 16,000 का लेवल था, दैट वॉज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी. और यहां पर मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से मिल रही थी, बिकॉज मेरे को दो चीजें कंफर्मेशन दे रही. वन इज की निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे था, एंड द सेकेंड थिंग मुझे MACD भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था. तो यहां पर मैं कहीं बाइंग एंट्री कर सकता था. सो दिस इज माई बाइंग एंट्री. और मैं इसको कहां तक बाय करूंगा, जैसे ही जो मेरी ग्रीन हिस्टोग्राम्स हैं वो जैसे थोड़ा लाइट कलर के हो जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे, ये जो फिफ्थ बार बनी है नीचे, इस पॉइंट पे जो हिस्टोग्राम है वो थोड़ा लाइट ग्रीन होना शुरू हो गया, मतलब इसका मोमेंटम कम होते आ रहा है. तो मैं यहां पर कहीं एग्जिट कर जाता, और आप देख सकते हैं करीब 4 हफ्ते में बहुत अच्छा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का प्रॉफिट हमें मिलने की उम्मीद थी. लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स. अगर हम यहां देखें, यहां पर मेरे को एक सेलिंग सिग्नल मिल रहा है. सो आई एम गेटिंग अ सेलिंग सिग्नल फ्रॉम द MACD. एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे भी है. तो अगेन मेरी दोनों चीजें मेरी फुलफिल हो गई हैं. मेरे को MACD भी बोल रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, और उसी समय मेरे को जो निफ्टी दिख रहा है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे दिख रहा है. सो आई कैन सेल हियर. एंड आप देख सकते हैं क्लियरली निफ्टी वेंट डाउन. तो इसलिए हम यहाँ पे दो चीज यूज कर रहे हैं, नॉट जस्ट दी MACD बट ऑल्सो दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू गेट अ बेटर एक्यूरेसी इन आर स्ट्रैटेजी. आइए लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. मैं अब आपको रिलायंस का चार्ट दिखा रहा हूं. अगेन अगर आप देखें, सो काफी बार आपको यहाँ पे ट्रेड्स दिख रहे होंगे, बट सबसे पहला हमारा काम है कि हमें अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन बनाना है. सो लेट्स मेक आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन. सो ये एक इंपॉर्टेंट, हम देख सकते हैं कि दिस कैन बी आर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट. नाउ द थिंग इज कि जब हमारा जो MACD है इन लेवल्स पर हमारे को एंट्री देगा, तब हम एंट्री लेने के चांस कर सकते हैं. लेट्स सी. सो वी आर गेटिंग अ फर्स्ट एंट्री हियर विच इज समवेयर इन द मिडल. और ये मैं एंट्री नहीं लूंगा बिकॉज ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर चुका है. आई हैव मिस्ड द एंट्री बिकॉज एंट्री मेरे को शुरुआत में मिली थी, नॉट इन द मिडल. तो मैं इस एंट्री को स्किप कर दूंगा. सेकेंड एंट्री आई एम गेटिंग हियर विच इज समवेयर हियर. और अगर आप देखें यहां पर मेरी अच्छी एंट्री बन रही है बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज द सेकेंड सपोर्ट. तो एक तरह का मेरा डबल बॉटम भी बन रहा है. सो दिस इज अ गुड एंट्री. आई कैन टेक एन एंट्री एंड आई हैव गॉट अ गुड एंट्री एंड अ गुड एग्जिट ऑल्सो. लेट्स लुक एट द सेकंड थर्ड एंट्री. अगर हम यहां देखें, यहां पर MACD इज अगेन गिविंग मी अ बियरिश सिग्नल एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम रिलायंस भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है. आई कैन अगेन गो फॉर दिस एंट्री. आई कैन सेल रिलायंस एंड आप देखेंगे अगेन रिलायंस केम डाउन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. यहां पर आप देखेंगे रिलायंस का बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है. रिलायंस की बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है एंड अगेन एट द सेम टाइम रिलायंस इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन. तो यहां पर मैं बाइंग कर लूंगा एंड इट वेंट अप अगेन. सो इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे को थोड़ा बहुत पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग अब दो चीजों से कंफर्मेशन ले रहे हैं, नॉट जस्ट दी MACD बट ऑल्सो दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. एंड उससे हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी बढ़ रही है. लेट मी टेक वन लास्ट एग्जाम्पल. और यहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत जो डाइवर्जेंस होता है वो भी थोड़ा बताने वाला हूं. सो सिमिलर चीज हम करने वाले हैं. लेट मी जस्ट रिड्यूस द साइज हियर. सो सिमिलर चीज हम करने वाले हैं. इस पॉइंट पर अगर आप देखें, सो आई एम गेटिंग द वन सेकेंड, लेट मी रिड्यूस द साइज अ लिटिल बिट. ओके, सो आई एम गेटिंग द सेलिंग एंट्री हियर. आई एम गेटिंग द सेलिंग एंट्री हियर एंड एट द सेम टाइम अगेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है हमारा. सो सेलिंग तो बनी रही है, बट उससे अलावा अब आप यहां देखेंगे कि आपका डाइवर्जेंस भी हो रहा है. सो व्हाट इज डाइवर्जेंस, जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं. सो इफ आई क्रिएट अ लेवल हियर कैंडलस्टिक पे, तो वो आपका थोड़ा सा, अगर आप देखें जो स्टॉक है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है. सो जो TCS है उसका थोड़ा जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. बट ड्यूरिंग द सेम टाइम, अगर मैं MACD के हाइज को टच करता हूं, सो ये MACD के हाइज हो गए, तो वो नीचे गिर रहा है. तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं. मतलब MACD दिखा रहा है कि स्टॉक को नीचे गिरना चाहिए बट TCS इज गोइंग अप. तो ये मेरे को थर्ड कंफर्मेशन दे रहा है, तो जब मेरे को इस तरह की कंफर्मेशन मिलती है जहां पर जो स्टॉक है वो अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है, MACD का क्या कहते हैं आपका जो क्रॉसओवर है वो भी हो चुका है, एंड देयर इज अ डाइवर्जेंस, मतलब एक काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी का ट्रेड मेरे को मिल सकता है. सो आई कैन गो फॉर अ सेलिंग ट्रेड हियर एंड यू कैन क्लियरली सी इट वॉज अ रियली गुड ट्रेड. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज MACD. मैं जब भी MACD यूज करता हूँ, मैं अकेले MACD को यूज नहीं करता. आई ऑलवेज ट्राई टू यूज एटलीस्ट द प्राइस एक्शन
या फिर अगर मुझे जहां पे डाइवर्जेंस मिल जाए, बिकॉज़ जिससे आप देख सकते हैं उससे मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी बढ़ जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्ट्रेटजी? हमने देखा कि अगर हम मैकडी को प्राइस एक्शन के साथ यूज करते तो एक्यूरेसी काफी अच्छी बढ़ जाती है और काफी बार जो फेक ट्रेड्स आते हैं वो हमारे बच सकते हैं। अगर आपको आज की स्ट्रेटजी पसंद आई है सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस आगे मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.